अलवर के राजर्षि अभय समाज में रविवार को संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। अयोध्या में श्री राम लला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया। इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा, अभय समाज अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा, महापौर घनश्याम गुर्जर, अयोध्या धाम आश्रम के महंत सहित भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता आदि मौजूद रहे। वहीं आयोजन में महेश चंद शर्मा और अन्य पदाधिकारियों की भूमिका रही। इस मौके पर आतिशबाजी हुई और प्रसाद भी वितरण किया गया। वैदिक ब्राह्मण संघ ने बहुत जोर शोर से सारे शहर में प्रचार करके प्रसार करके और सुंदर कांड का जो पाठ रखा था, इसमें 1008 व्यक्तियों को एक साथ बैठा कर उनकी सुव्यवस्थित व्यवस्था कर गद्दों पर बैठा कर सबके हाथ में सुंदर कांड देकर विधि विधान से भगवान श्री राम का पूजन कर, हनुमान जी का पूजन कर और सुंदर कांड का पाठ प्रारंभ किया गया है। और इस तरह से ये पाठ जो है लगभग 2:30 के लगभग प्रारंभ हुआ और ये अब शाम को 5:30 बजे तक चला है। संगीत में सुंदर कांड का पाठ किया गया है और सारा अलवर ही लगभग इसमें सम्मिलित हो गया। न केवल 1008 व्यक्ति थे अपितु चारों तरफ चारों ओर से माताएं बहनें बुजुर्ग खड़े हुए थे और सुंदर कांड का आनंद ले रहे थे। वैदिक ब्राह्मण संघ परिवार की ओर से 1008 सनातनियों के द्वारा भव्य संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी धर्म जाति वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित होकर के मुक्त भाव से श्री हनुमान लला का धन्यवाद करते हुए एक सुंदरकांड पाठ का कर रहे हैं। राजर्षि अभय समाज के द्वारा सुंदरकांड का पाठ बहुत मनोरम दृश्य के साथ हो रहा है। भगवान श्री रामलला जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सनातनियों का ये सामर्थ्य, हमारा राष्ट्र सबल बने, देश विदेश में जो विराजित है, वास कर रहे, सबको श्री राम लला जी की कृपा बनी रहे।